हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोनी गिनी व्लॉग्स। तो गाइस कैसे हैं आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस सुबह के बज रहे हैं 9 और मैं बहुत यम्मी सा मजेदार सा ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ। और गाइस रोज में वैसे तो हम लोग ब्रेकफास्ट करते नहीं हैं, पर कभी कभी मैं बिस्किट चाय वगैरह ले लेती। तो आज कुछ खाने का था मन मेरा, बहुत टेस्टी यम्मी सा और चटपटा बना था। और गाइस मैं कुछ ऐसा ब्रेकफास्ट बनाने वाली हूँ जो बहुत ही चटपटा और यम्मी सा मजेदार झटपट बन जाने वाला है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं आज क्या बनाने जा रही हूँ। तो यार मैं बनाने वाली हूँ पनीर के पराठे। तो मैंने पराठे बनाने के लिए ले लिया है 250 ग्राम पनीर और मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ हरा धनिया, ये मैंने चॉप करके रखा हुआ है, और ये हरी मिर्च, दो हरी मिर्च मैंने चॉप की है। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मैं स्पाइस थोड़ा कम खाती हूँ तो मैंने कम लिया है। और जो मसाले ऐड करने वाली हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो दोस्तों हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक कद्दूकस लेंगे, आप हाथ से भी कर सकते हो, मुझे इससे ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसमें हम इसको क्रश करेंगे। तो पनीर मैंने क्रश कर लिया है, कुछ इस तरीके से हो जाता है ये। अब इसमें ऐड करेंगे हम हरा धनिया, हरी मिर्च। अब बारी आती है मसालों की। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूंगी गरम मसाला, लाल मिर्च, सॉल्ट। हल्दी नहीं ऐड करनी है। अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो आप डाल सकते हैं, मैं तो नहीं डालूंगी। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारे मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो दोस्तों हमारी पनीर की स्टफिंग हो चुकी है रेडी। तो दोस्तों आटा मैंने पहले ही गूंद के रखा हुआ था, अब मैं बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। आप देखते रहना कि मैं कैसे बनाऊंगी। इस तरीके से हमको बना लेनी है और फिर एक स्पून लेंगे और स्टफिंग को ऐसे डालेंगे। इसको ऐसे दबा देंगे, इस तरीके से मैं ऐसे बनाऊंगी। और आप इसको ऐसे कर सकते हैं, जो एक्स्ट्रा आटा होता है उसको हम ऐसे निकाल देंगे, यहाँ से हल्के हाथ से दबाएंगे, फिर आटा लगाएंगे। इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, इसको बहुत धीरे हाथ से बनाना है, ज्यादा तेज नहीं चलाएंगे वरना पराठा फट जाएगा। देख सकते हैं मेरा पराठा मैंने बेल लिया है, अच्छी तरीके से मैंने बेल दिया है इसको, और कहीं से फटा भी नहीं है। इस तरीके से आपको बना लेना है। तवा मैंने यहाँ पर पहले रख दिया था, मीडियम फ्लेम पर रखेंगे, ज़्यादा तेज नहीं करना है। अब इसको हम डालेंगे, इतने में
जितने ये गर्म होता है इतने दूसरा तैयार करेंगे। आपको एक बार मैं फिर दिखा देती हूँ, ऑयल लगाना स्टार्ट करेंगे। आप घी भी यूज कर सकते हैं, मैंने रिफाइंड यूज किया है। दोनों साइड अच्छे से लगा लेंगे। तो दोस्तों पराठा हो चुका है बिल्कुल रेडी। अब इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो गाइस आप देख सकते हैं पराठा बनके हो चुका रेडी और कितना सुंदर लग रहा है पराठा देखने में। तो दोस्तों हमारा पराठा मैंने सर्व कर दिया है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। ये देखो गाइस पनीर कितने अच्छे से मैंने डाला है और ऐसे कट कर लिया है, खाने में बहुत आसानी से खाया जाएगा। और मैंने ये अचार लिया है, मिर्च का अचार, आम का अचार और दही। तो दोस्तों आपको आज ये मेरी पराठे की रेसिपी कैसी लगी आप जरूर मेरे को कमेंट करके बताइएगा। और गाइस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और गाइस मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरे पराठे आपको कैसे लगे। और एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत यम्मी लगता है ये पराठा। और इस तरीके से आप बनाकर देखना और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय गाइस।